हाय गाइस, मैं हूँ स्नेहा। आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सनस्क्रीन कब लगाना चाहिए, इसे आप मेकअप से पहले लगाएं, मेकअप से बाद में लगाएं, किस तरीके का सनस्क्रीन इस्तेमाल करें कि आपके फेस पे कोई वाइट कास्ट ना दिखे, या कई बार लोगों को होता है कि सेंसिटिव स्किन होने के कारण सनस्क्रीन के बाद पिंपल्स या एक्ने निकल आता है, तो वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो इसके लिए मेरी आज की वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो अपना फेस वॉश करने के बाद जो भी आप डेली मॉइस्चराइजर, फेस जेल, क्रीम, सीरम जो भी लगाते हैं, पहले आप उसको अप्लाई करें। तो जैसे कि मुझे समर्स में एलोवेरा जेल अच्छा लगता है स्माइल करना, तो मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल अप्लाई करूंगी। तो स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने के बाद टाइम आता है सनस्क्रीन लगाने का। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर करते हुए कि सनस्क्रीन मेकअप से पहले लगाना चाहिए या बाद में, सनस्क्रीन ऑलवेज मेकअप से पहले आता है। तो आपको धूप में बाहर जाने से कम 15 से 20 मिनट पहले अपना सनस्क्रीन अप्लाई करना है। मैं VLCC का ये मैट लुक डी पिगमेंटेशन सनस्क्रीन जेल क्रीम लगा रही हूँ। ये SPF 30 है, इसमें PA++ है। मिनिमम SPF 30 आपको गर्मियों में लगाना ही चाहिए अगर आप धूप में बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज इतनी गर्मी में आपको जो सन की रेज हैं, जो आपको टैनिंग सनबर्न कॉज कर सकती हैं, उससे प्रोटेक्शन नहीं मिलती है। आप SPF 50 के लिए भी जा सकते हैं अगर आप किसी बीच वेकेशन पे, या आपको पता है आप पूरे दिन धूप में बाहर रहेंगे, तो हायर SPF का सनस्क्रीन आपके लिए अच्छा रहेगा। इस सनस्क्रीन में जो PA++ लिखा है, उसका मतलब ये है कि सन से जो UVA और UVB रेज निकलती हैं, उससे आपके स्किन को ये बचाता है। यानी कि जो भी टैनिंग है, सनबर्न है, या जब सनरेज आपके स्किन पे पड़ती हैं, उसके जो भी बुरे इफेक्ट्स हैं, उससे आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए PA++ आपके सनस्क्रीन में होना बेहद अच्छा रहता है। सो, ये वाला जो सनस्क्रीन है, इसमें सैक्सीफ्रागा और कैरेट के एक्सट्रैक्ट्स हैं, प्लस ये पैराबेन फ्री है। तो ये आपको सनस्क्रीन के बेनिफिट्स तो दे ही रहा है, इसमें हल्का सा टिंटेड इफेक्ट भी है, जिसकी वजह से आप अभी डेमो में देखेंगे कि ये मेरे फेस पे कोई भी वाइट कास्ट नहीं कर रहा है। सो जस्ट एज यू अप्लाई एनी क्रीम या एनी फाउंडेशन, आप डॉट्स की फॉर्म में लगा सकते हैं, या आप अपने फिंगर टिप्स पे लेके इसे लाइक अ क्रीम भी लगा सकते हैं। मैं पर्सनली डॉट्स की फॉर्म में लगाना इसे पसंद करती हूँ। इससे मुझे पता रहता है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं कितना अपने फेस पे लगा रही हूँ, एंड मैं ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्ट अपने फेस पे अप्लाई नहीं करती। एंड फेस के साथ साथ नेक नहीं भूलना है, अदरवाइज क्या होता है, फेस तो टैन नहीं होता लेकिन नेक टैन हो जाती है। तो अब जब आपने अपना सनस्क्रीन लगा लिया है, नाउ इट्स टाइम टू डू योर मेकअप। सो आप PBCC क्रीम्स के लिए जा सकते हैं, या आप इस तरीके के मैट फाउंडेशन के लिए जा सकते हैं। मुझे इस तरीके का मैट फाउंडेशन जब भी मैं बाहर जा रही हूँ, ये पहनना ज़्यादा पसंद है ओवर BB या CC क्रीम। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर या आप एवरीडे लाइट मेकअप करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर समथिंग लाइक ये पॉन्स का BB क्रीम, लैक्मे CC क्रीम, और भी है BB CC क्रीम्स, NYB का एक CC क्रीम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अफोर्डेबल है। पॉन्स BB क्रीम एंड लैक्मे CC क्रीम में भी SPF 30 है, PA++ है, बट द प्रॉब्लम इज ये आपकी BB क्रीम के साथ मिला हुआ होता है, तो सनस्क्रीन के जो बेनिफिट्स हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस तरीके की क्रीम अगर आप विंटर्स में या जब इतनी धूप नहीं होती है तब आप लगाते हैं, तो आपको सनस्क्रीन की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अभी करंटली जो मौसम चल रहा है, जितनी धूप, जितनी गर्मी और जितनी सन की रेज आपके स्किन के कांटेक्ट में आती हैं, ये सफिशिएंट नहीं होता है आपकी स्किन के लिए, इसलिए आपको इसके साथ साथ एक सनस्क्रीन का यूज़ करना बिल्कुल बनता है। सो नाउ आई विल अप्लाई माई फाउंडेशन। आई नॉट अप्लाई टू मच, मैं जस्ट डॉट्स की फॉर्म में से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूं। एंड यू कैन फाइनली फिनिश ऑफ योर मेकअप विद एनी लिप बाम या लिपस्टिक। सो मैं ये रेवलॉन का मैट बाम इस्तेमाल कर रही हूँ, शेड है सल्ट्री। ये लिपस्टिक प्लस लिप बाम है, सो आई लव कि ये मेरे लिप्स को ड्राई नहीं बनाता
एंड एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी प्रिटी लिपस्टिक. वीडियो को खत्म करने से पहले एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, अगर आप इतने सारे प्रोडक्ट्स अप्लाई नहीं करना चाहते, ऑल यू कैन डू इज, जैसे इस तरीके की एक डे क्रीम आती है, ये प्लम गुडनेस की है, इसमें SPF 50 है, PA ट्रिपल प्लस है, एंड बिकॉज ये डे क्रीम है तो ये आपको जो आपका डेली मॉइस्चराइजर है उसके बेनिफिट्स भी दे रहा है. SPF 50 है, बहुत हाई है, आपको अलग से प्रोडक्ट्स को लेयर करने की, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. एंड ऑफकोर्स अगर आप मेकअप नहीं करना चाहते, यू कैन स्किप योर फाउंडेशन बीबी क्रीम और आप सिर्फ इस तरीके के एक प्रोडक्ट के साथ जा सकते हैं. सो ये थी मेरी आज की वीडियो सनस्क्रीन के ऊपर. आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा. मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आपको इस तरीके की वीडियोस पसंद है, मैं चैनल पे जो इस तरीके का कंटेंट डालती हूँ आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. मेरी आज की वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. बाय बाय.